खबर चंदौली से है। यहां के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एक व्यक्ति के पास से 1,18,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक युवक भारी बैग के साथ दिखा। बैग की तलाशी के बाद पैसे बरामद हुए। ये युवक वाराणसी के पश्चिम बंगाल से दुर्गापुर जा रहा था। फिलहाल जीआरपी आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। पहली नजर में ये पैसा हवाला का लग रहा है। जीआरपी ने इनकम टैक्स समेत तमाम एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है। तो बता दें आपको, इसे चंदौली से बड़ी खबर है। 1,18,00,000 रुपए के साथ एक व्यक्ति को बरामद किया गया, उसको पकड़ा गया। उसके पास से 1,18,00,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ये पैसे मिले हैं। ये गणतंत्र दिवस को लेकर के आरपीएफ और जीआरपी लगातार चेकिंग कर रही थी, जिसमें हम लोग चेकिंग कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जिसके पास से 1,18,00,000 रुपए करीब कैश बरामद हुआ है। और ये बता रहा है कि बनारस से दुर्गापुर ले जा रहा था। अब ये पैसा हवाला का भी हो सकता है, और इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर दी गई है। वो लगा रहे हैं अग्रिम कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र जुड़े हैं। तो महेंद्र, किस तरीके से देखते हैं आप, 1,18,00,000 रुपए का नगद लेकर ये युवक जा रहा था। जहां एक तरफ मोदी सरकार डिमोनेटाइजेशन की बात करती कहती, उसके बाद जो कैश की लेन देन है वो भी काफी कम हुआ है, लेकिन ऐसे में 1,18,00,000 रुपए के साथ युवक का पकड़ा जाना। जी सर, बता दें आपको कि ये जो दरअसल ये पूरा मामला ये हवाला को लेते हुए दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि जो इनकम टैक्स में जो चोरी का मामला है वो यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। ऐसा ही लग रहा है कि इतना बड़ा जो रकम है एक भारी बैग में ले जाकर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की चोरी का ही नियत बनाकर ये ले जाया जा रहा था। जी तो महेंद्र, कुछ अपडेट इस पे मिली कि पैसे किस लिए लेके जा रहे थे, जो युवक पकड़ा गया किस लिए पैसे लेके जा रहा था, क्या उसकी नीति थी पैसों को लेकर? जी, जो जीआरपी और आरपीएफ के जो पूछताछ में पता पूरी तरीके से अभी ज्यादा कुछ खुल नहीं पाया है। रात होने की वजह से अभी पूछताछ की जा रही है। यही पता लग पाया है कि ये जो युवक थे, ये एक बैग में ये युवक 1,18,00,000 रुपए कुछ हजार रुपए लेकर जा रहा था। जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जब इसे आरपीएफ और जीआरपी ने भारी बैग के साथ देखा, तो ये युवक वहां से छिपने का प्रयास करने लगा। और किस तरह तलाशी जब की गई, तो बैग में रखा हुआ पैसा, जो इतना भारी संख्या में भारी मात्रा में जो पैसा रखा हुआ था, उसको देखकर जीआरपी भौचक रह गया और उसे उठा के पूछताछ की जा रही है फिलहाल कि आखिर में इतना बड़ा रकम लेकर कहां जा रहा था और किसका यह रकम था। इसकी जांच पूरी तरह की जा रही है। जी तो महेंद्र, जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया था, क्या किसी अधिकारी ने कोई बात कही है सामने आकर? अभी तक जो जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक हैं उनसे बात हुई है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि चेकिंग के दौरान ये युवक छिपने का प्रयास कर रहा था। हालांकि इस लड़के को पकड़ के पूछताछ की जा रही है। इतना बड़ा जो रकम आया है इसके बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं यहाँ पे दूसरी तरफ हम महेंद्र ये भी देखें यहाँ पे कि एक तरीके से सरकार की जो नाकामी है वो भी यहाँ सामने दिखती है, क्योंकि जहाँ सरकार एक तरफ डिजिटलाइजेशन की बात करती है और कैश पे लगाम लगाने की कोशिश करी, वहीं एक ऐसा युवक पकड़ा जाता है जिसके पास भारी मात्रा में कैश 1,18,00,000 रुपए कैश बरामद किए जाते हैं। डिजिटल के जमाने में जहां एक तरफ सरकार का पूरा प्रयास है कि डिजिटल माध्यम से ही लेन देन किया जाए और कैश जो है इतना भारी मात्रा में इधर से उधर न किया जाए, ये कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी नाकामी दर्शा रही है कि इतना बड़ा जो गिरोह है वो काम कर रहा है और इतना लंबा रकम इधर से उधर भी ले जाया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।